गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य शालीन जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वी वासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। खेती के उपयोग में आने वाले पानी का अधिकतम उपयोग हो इस दृष्टिकोण से मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और हमने नेशनल वाटर मिशन में 20% तक पानी के उपयोग में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सतह पर जो जल उपलब्ध है उसका उचित प्रबंधन, भूगर्भ के जो हमारे स्रोत हैं उनका ठीक से उपभोग हो, जो पानी हम अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लेते हैं उसका विवेकपूर्ण उपयोग हो और उसके साथ साथ में जो पानी उपयोग के बाद में निकलता है उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो, तो हम जल सुरक्षित देश को बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, जल की बर्बादी को कम किया जा सके और राज्यों के भीतर एवं राज्यों के बीच जल का अधिक समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य है जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। देश के अंदर जितनी वर्षा होती है एक वर्ष के अंदर हम उसका केवल 8% ही बचा पा रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमें युद्ध स्तर के ऊपर जो है अपने जल प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारा मंत्रालय जो है उस दिशा के अंदर सतत प्रयास कर रहा है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय जल मिशन ने अनेकों कदम उठाए हैं जिसके तहत कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया है जिसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसमें राज्य सरकारों, सामाजिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से एप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण और उसके उपयोग का अनुरोध किया है जो कि वहाँ के सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुरूप हो और वर्षा के पानी को बचाने और कुशलता से उपयोग करने की इस मुहिम में अधिकाधिक लोगों को साथ जोड़ने की पहल की गई है। साथ ही विभिन्न कलेक्टर्स को जिला स्तर पर रेन सेंटर्स की शुरुआत करने का अनुरोध भी किया गया है जिसके माध्यम से आम लोगों को वर्षा जल संचय से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी जा सके। कुछ प्रमुख संस्थानों और मंत्रालयों ने वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए कदम भी उठाए हैं। जल संरक्षण में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाओं को भी साथ जोड़ने की पहल की गई है। Both in urban areas and rural areas, rainwater harvesting system must be made mandatory when sanctioning plans. We must ensure that water is not wasted and the groundwater reserves are recharged when the rain falls on the ground. We must catch the rain and store it. I'm happy that the National Water Missions campaign is taking up a timely initiative called Catch the Rain When It Falls. वर्षा जल संचय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए समाज की जानी मानी हस्तियों ने भी इस कैच द रेन कैंपेन को बढ़ावा और सहयोग दिया। राष्ट्रीय जल मिशन लगातार जल संरक्षण हेतु ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम के रिवाइवल के लिए कार्य कर रहा है। इस दिशा में भारत के स्टेप वेल्स की धरोहर को संजोते हुए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा स्टेप वेल्स ऑफ इंडिया नामक एक किताब लोकार्पित की गई, जिसमें 100 यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टेप वेल्स की जानकारी मौजूद है। We use as much as 85% of the water resources for irrigation only.
and therefore depleting the groundwater tables. So we have a situation where we need to improve the management of our water resources. And this cannot be done only through the central and state government programs, because water touches our lives. And that's where the National Water Mission has launched major initiatives. It conducts regular talks. Every third Friday, there is a talk on water, and on every second Friday, there is a talk on water technology issues. Apart from these initiatives, there is the initiative of Jal Shakti Abhiyan, which was conceived of in 2019. For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है, क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन Where it falls, when it falls. हम अभी से जुटेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में तालाबों में पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। जल संरक्षण की अधिकाधिक जागरूकता और प्रशिक्षण का फैलाव भी किया जा रहा है, जिसके तहत वाटर टॉक नामक लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है। इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वाटर टॉक सीरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे पहुंचाया गया, और जिसके कारण न केवल प्रतिभागियों की संख्या बढ़ी बल्कि देश विदेश से भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही इन वाटर टॉक्स का सार एक बुक में भी कंपाइल किया गया है। इसके अलावा नेशनल वाटर मिशन की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के अलग अलग टॉपिक्स पर टेक्निकल सेमिनार्स और वेबिनार्स भी किए जाते रहे हैं। साथ ही जिला अधिकारियों और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ वीकली वेबिनार्स भी किए जाते हैं, जिसमें उनके द्वारा उनके एक क्षेत्र में की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस की चर्चा की जाती है। एवरी डीएम्स को रिक्वेस्ट किया कि हर जिले में एक रेन सेंटर, नहीं तो एक जल शक्ति केंद्र खोलने के लिए। जल शक्ति केंद्र में जल के बारे में जितने भी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए उसी के बारे में जानकारी मिलते हैं। बट वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर एंड एंगेज दम इन डिस्कशंस, एंगेज दम इन द इन थिंकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ वाटर, सो दैट दे लीव बिहाइंड अ वेरी गुड लेगेसी फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन। सिंचाई क्षेत्र में सुधार के लिए 26 बेसलाइन स्टडीज भी की गईं, और साथ ही मांग प्रबंधन यानी डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए सही फसल नामक कैंपेन चलाया जा रहा है, ताकि किसानों को उनके एक क्षेत्र के अनुसार कम पानी की खपत वाली फसल की बुआई के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित किया जा सके, और इसके लिए किसानों को वर्कशॉप भी दी जा रही है। राष्ट्रीय जल मिशन के इस कैंपेन के चलते कुछ राज्यों ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव भी किए। औद्योगिक क्षेत्र में भी जल के कुशल उपयोग के लिए नेशनल वाटर मिशन लगातार निगरानी बनाए हुए है, जिसके तहत कई विभिन्न उद्योगों में वाटर ऑडिट्स भी किए जा रहे हैं। BIS की पार्टनरशिप के तहत वाटर अप्लायंसेस के स्टार रेटिंग का काम भी हो रहा है। जल क्षेत्र में स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान की संरचना के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इतना ही नहीं, विभिन्न रूप से जल संरक्षण को व्यवहार में लाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स के जरिए 45 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेस भी वितरित किए गए। साफ पानी और स्वच्छता मानव जीवन को पूर्ण रूप देते हैं। ये सच है, जल जीवन है, जल ही शक्ति है।
Very good afternoon, everyone, and warm welcome to 35th Water Talk, being organized by National Water Mission and is supported by Water Digest. I'm Anupma, the director and editor of Water Digest, and we take pride to be a part of this wonderful initiative of National Water Mission. Today, we will be talking about water, certainly. As you've also seen in the profile video of National Water Mission, that, you know, not only focusing on water, increasing water use efficiency, which can also be inclined towards the irrigation sector, where Sahi Fasal, by the name of Sahi Fasal, there was a program which was done and planned by National Water Mission. So giving due importance to the Ann Data, giving due importance to the irrigation sector, the agriculture sector, this time the Water Talk has been planned specifically to honor and recognize and to know more about somebody, about our agriculture through someone who is closely connected to nature. We talk about agriculture. For making it sustainable, it's important that we go close to the nature. The nature-based agriculture is one which always believes in a cyclic way, where one input comes out as where the input comes out, their output, but output is again used as an input. And that's what we will be hearing, seeing more from the speaker today. Unlike the industrial agriculture, which always functions in a linear fashion, where one is input and then there is an output. In the process, there is pollution which goes to through the streams and also towards percolate towards the groundwater. So let's hear what we have in store when I talk about 35th Water Talk. So I'm honored to welcome Dr. Bharat Bhushan Tyagi ji, who is a Padam Shri and has worked extensively with farmers, who is an honored farmer, who hail from Bulandshahar, Uttar Pradesh, and is awarded by the Padam Shri in 2019 for the work he's doing. Not only this, he is also the recipient of Progressive Farmer Award by the Prime Minister. He organizes weekly trainings for the farmers and has already trained more than 80,000 farmers. He is a graduate from Delhi University and has also worked with government organizations like National Center of Organic Farming, Ministry of Agriculture, AFC, and National Bank for Agriculture and Rural Development. A very warm welcome. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वाटर टॉक में डॉक्टर भारत और हम आपको सुनने के लिए हम और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स आपको सुनने के लिए सुनना चाहेंगे और हमेशा की तरह वाटर टॉक में आज भी हमारी एडिशनल सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर मिस देवश्री मुखर्जी वर सपोज टू बी पार्ट ऑफ दिस बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क मैम कुड नॉट ज्वाइन अस टुडे हाउएवर टू टेल अस अबाउट दिस इनिशिएटिव And to give away his opening remark, we have with us Mr. Sunil Kumar Arora, Advisor, National Water Mission. So before we hear from our esteemed speaker, I welcome Mr. Sunil Kumar for his opening address. Over to you, Sunil ji. Thank you, Anupama. Hey, Sunil ji, namaskar. आज के हमारे मुख्य वक्ता पद्म श्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस जल संगोष्ठी में वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी श्रोतागण का मैं नेशनल वाटर मिशन की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाटर टॉक की शुरुआत 22 मार्च 2019 वर्ल्ड वाटर डे से की गई थी और अभी तक हमने 34 वाटर टॉक बड़ी सफलता से उनका आयोजन किया है और आज हम 35वीं वाटर टॉक का आयोजन कर रहे हैं। इन वाटर टॉक के माध्यम से हमने जल क्षेत्र के बारे में जल संरक्षण के बारे में एक खुले और रचनात्मक संवाद से आप सभी के साथ जुड़ने की कोशिश की है। इस जल संगोष्ठी को आगे बढ़ाने से पहले मैं जल के बारे में आप सब लोगों के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। भारत
देश की कुल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की लगभग 18% है, पर हमारे पास पूरे विश्व का फ्रेश वाटर का केवल 4% हिस्सा ही आता है। हमारे देश में वाटर फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ विकसित देशों के मुकाबले काफी कम वाटर यूज एफिशिएंसी है, मतलब कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए पानी से संबंधित ज्यादा पानी का यूज करते हैं। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी हमारे देश में कम है, हम लोग भूजल का ज्यादा दोहन करते हैं जितना कि वो रिचार्ज भी नहीं हो पाता है। अगर देखा जाए तो चीन और अमेरिका जितना मिलाकर भूजल का दोहन करते हैं उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा भूजल का दोहन हम अपने देश में करते हैं। नीचे एक्वाफर में कितना भूजल बचा है हमें पता नहीं चलता है। हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उसके कुछ इंडिकेशन आते हैं, वार्निंग साइन आते हैं, इससे पता चल जाता है कि बैटरी खत्म होने वाली है, बट नीचे भूजल कम होने की या खत्म होने की कोई वार्निंग साइन हमें नहीं आते हैं। हमने केवल तकनीकी माध्यमों से एक्वाफर नीचे जो है उसमें कितना जल है, कितना हम कितने साल तक चल सकता है, उसको हम एनालिसिस करते हैं, बट कोई वार्निंग साइन हमको नहीं आता है। इसलिए इस सबको देखते हुए आज के समय की जरूरत है कि हम वर्षा जल का संचयन करें। तो नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व द रेन वाटर। इसी जरूरत को अच्छी तरह समझते हुए नेशनल वाटर मिशन जल शक्ति अभियान ने पहले 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर को रिनोवेट रिपेयर कराया गया और बहुत से नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए थे। फिर सन 2020 में इसकी फिर से शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण इसको पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका और इसको जारी रखने के लिए हमने नेशनल वाटर मिशन ने फरवरी 2020 में कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की, जिसके मद्देनजर सभी प्रदेशों को अर्ज किया, सभी यूनियन टेरिटरी को हमने गुजारिश की कि सभी जिलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर कार्य कराए जाए। और इसी दौरान ग्रामीण विकास विभाग, जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने मनरेगा स्कीम की गाइडलाइंस चेंज की और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को भी इनकी कार्यसूची में शामिल कर दिया, ताकि मनरेगा स्कीम में जो कार्य होते हैं उसमें सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बनाए जा सके। फिर अगले वर्ष 22 मार्च 2021 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की और इस अभियान की लॉन्चिंग के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी सरपंचों को, सभी जिलाधिकारियों को और केंद्र और राज्य के अधिकारियों को संबोधित किया। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब कि वर्षा जल का संचयन करें जहां भी बरसे, जब भी बरसे। और जो हमारा मेन एम है वो है घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। दिस JSACTR कैंपेन इज टू नज स्टेट एंड सिटीजन्स टू क्रिएट एप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुटेड टू द क्लाइमेट कंडीशन इन द सबसॉइल स्ट्रेटा ऑफ द एरिया। व्हाई आई एम टेलिंग सबसॉइल स्ट्रेटा ऑफ द एरिया, बिकॉज जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर राजस्थान में सक्सेसफुल होगा, जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली, गुवाहाटी और मुंबई में भी सक्सेसफुल हो। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द सब सॉइल स्टेटा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी अभियान के दौरान हमने सभी जिलाधिकारियों को गुजारिश की हर जिले में एक जल शक्ति केंद्र की स्थापना की जाए, जो कि एक सिंगल विंडो, सिंगल पॉइंट वाटर नॉलेज सेंटर की तरह काम करेगा, जिसमें स्थानीय नागरिकों को जल से संबंधित कोई भी अगर ज्ञान लेना हो उसको साझा किया जाए। हमने उनको गुजारिश की जिलाधिकारियों को चेक डैम्स पर काम किया जाए, नए बनाए जाएं, पुराने रिपेयर किए जाएं और जल निकाय जो वाटर बॉडीज होती है हमारी, उनके अंदर और उनके उन रास्तों में जहां से वर्षा जल आता है उन पे जो एनक्रोचमेंट आ गए हैं उनको दूर किया जाए। वहां की जलवायु और सबसॉइल स्ट्रेट को देखते हुए सरकारी भवनों, पंचायत भवनों, आंगनवाड़ियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कराया जाए
सभी तालाबों की डीसिल्टिंग की जाए और उनकी ताकि क्षमता बढ़ सके। जितने भी हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज होते हैं, स्टेप वेल्स, बॉयलीज, बॉलीज, जो हर्ड, उन सबको हम रिनोवेट कराएं और रिपेयर कराएं। इस अभियान का बहुत ही सफलतापूर्वक इस अभियान को पूरा किया गया और इस दौरान 42 लाख से ज्यादा जल संरक्षण से जुड़ी संरचनाओं को या तो मरम्मत की गई या वो नए बनाए गए और लगभग 65,000 करोड़ रुपए मनरेगा स्कीम के द्वारा इन संरचनाओं पर खर्च किए गए। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेशनल वाटर मिशन जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 के आयोजन की तैयारी कर रहा है और पहले चरण में हमें सभी संरचनाओं की मरम्मत करनी है, मतलब कि वर्षा जल संरक्षण के लिए पात्र को तैयार करना है। और हमारा पात्र क्या है? हमारा पात्र है नेचुरल एक्वेफर, जहां पर भूजल जो है वो एकत्रित होता है। हमें तैयारी करनी है वर्षा जल को उस एक्वेफर में उस भूजल तक पहुंचाने की। वर्षा जल संरक्षण के बहुत फायदे हैं, अर्बन फ्लडिंग कम होती है। आपको पता होगा कि कुछ हर वर्ष कुछ शहरों में वर्षा के दौरान अचानक फ्लड आ जाती है। दिल्ली में हर 2 साल में एक बार मिंटो ब्रिज के नीचे एक बस डूब जाती है। इसका मुख्य कारण है जितने भी हमारे शहर हैं उनका कंक्रीटाइजेशन होना। हर जगह पर हम लोगों ने पेमेंट बना दिए हैं और वर्षा जल एक्वाफर तक नहीं जा पाता है और इस कारण अर्बन फ्लडिंग। अगर सोसाइटीज में आसपास के जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को तकनीकी ढंग से बनाया जाए तो हर सोसाइटी में हर में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जाए तो अर्बन फ्लडिंग से भी हम बच सकते हैं। और अपर हमें ये काम कैसे करना है? हमें ये सब कार्य जन सहयोग से करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना सकती है, गाइडलाइन इशू कर सकती है, स्ट्रिक्टनेस दिखा सकती है, बट जब तक जन सहयोग हमें नहीं मिलेगा हम इस कार्यक्रम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। सो कम्युनिटी ओनरशिप इज मस्ट फॉर वाटर सस्टेनेबिलिटी इन आवर कंट्री। हमें सभी लोगों को, एनजीओस को, जैसे जल सेली, पानी फाउंडेशन, बूंद, जल योद्धा, वाटर वॉरियर्स और जितने भी हैं, इन सबको शामिल करके आगे बढ़ना है, जिससे वर्षा जल संरक्षण के अभियान में अच्छी सफलता मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि हमें जल आंदोलन को जन आंदोलन में बदलना। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी गणमान्य गण हमारी जल शक्ति अभियान कैच द रेन में शामिल हों और हम अपने बंधुओं, दोस्तों और परिजनों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि हमारे हमारा देश जल उपलब्धता में आत्मस्थायी बने, सेल्फ सस्टेनेबल बने। वर्षा जल संरक्षण के मामले में हमारे इसके बारे में हमारे पूर्व अपर सचिव और मिशन डायरेक्टर श्री जी अशोक कुमार जी का ये मानना है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, पर वर्षा जल को पकड़ना मुश्किल बिल्कुल नहीं है और एकदम मुमकिन है। सो वी ऑल शुड प्रमोट एंड प्रैक्टिस रेन वाटर कंजर्वेशन एंड ऑल्सो सपोर्ट आवर कैंपेन ऑन जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज के हमारे सम्मानित वक्ता हैं पद्मश्री डॉक्टर भरत भूषण त्यागी जी। डॉक्टर त्यागी जी ने जल संरक्षण के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में खूब कार्य किए हैं और आज का उनका विषय भी यही है, प्राकृतिक खेती एवं जल संरक्षण। जैसा अनुपमा जी पहले ही बता चुकी है कि डॉक्टर भरत भूषण त्यागी जी चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, कृषक उद्यमिता विकास परिषद के निदेशक हैं और अब तक उन्होंने लगभग 1 लाख से ज्यादा किसानों को, कृषि से जुड़े वैज्ञानिकों को और नागरिकों को अपना ज्ञान साझा किया है। 2019 में उनको भारत देश के 4th सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और बहुत से देश विदेशों से अवार्ड और सम्मान भी उनकी झोली में हैं। और जिस डॉक्टर त्यागी जिस भावना से और जिस तरह से आपने सभी लोगों को साथ लेकर कार्य किए हैं वे बहुत ही सराहनीय हैं। मैं सभी लोगों की तरफ से आपके इस कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, माता है भूमि, पिता है पानी, यही कह रही है गुरबानी। अब मैं भरत भूषण त्यागी से गुजारिश करूंगा कि वे आगे आकर अपना इस क्षेत्र का ज्ञान हम सबके साथ साझा करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय हिंद। ओवर टू डॉक्टर त्यागी जी। आपको हृदय से नमस्कार करता हूं और जितना भी प्रबुद्ध वर्ग आज की इस वार्ता में
इस बात को सुनेंगे। मेरे अंदर से उनके लिए भी हृदय से शुभकामना है, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पानी को लेकर जो एक संवाद शुरू हुआ है और पानी के विषय में जो चिंता पूरे राष्ट्र के स्तर पर जागी है, मैं इसका हृदय से बहुत ही इसके प्रति कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रमुख कारण यही है कि पानी इस धरती पर एक ऐसी उपयोगी चीज वस्तु है कि जिसके बिना किसी की प्यास नहीं बुझती, और जब तक प्यास नहीं बुझती जब तक विकास नहीं होता। ये प्यास और विकास का गहरा संबंध है। हम संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था को यदि अध्ययन पूर्वक समझते हैं तो हमें कुछ ऐसे मुद्दे स्पष्ट होते हैं कि जहां हम पानी के स्वरूप को ठीक ढंग से पहचान सकते हैं। और इसका इस आज की इस चर्चा में इस बात को मैं सभी के सामने इसलिए रखना चाहूँगा कि बिना प्रकृति की व्यवस्था को समझे हुए हम पानी की उपयोगिता को नहीं समझ पाएंगे, और पानी की उपयोगिता समझ में नहीं आती है तो उसका संरक्षण नहीं होता है। हमने जानबूझकर पानी का प्रदूषण नहीं किया है। आज़ादी के बाद में देश जिस परिस्थिति को लेकर आगे बढ़ा, उस समय हमें खाद्यान्न का संकट था और सारी दुनिया के सामने कृषि की प्रधानता को मानने वाले देश के सामने अपने अस्तित्व का भी एक संकट था। उस स्थिति में जिन परिस्थितियों को लेकर हमने खेती की शुरुआत की, उस समय हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से मूल्यांकित नहीं किया, उनका वैलिडेशन हमारे पास नहीं था। वैज्ञानिकों ने भरपूर प्रयोग किया, किसानों ने भी प्रयोग किया, राष्ट्रीय रीति नीति और कानून खेती के लिए बनाए गए और एक अभियान सफल हुआ और देश कृषि को लेकर एक ऊंचाइयों के साथ पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। लेकिन एक बात हमसे चूक हुई कि अब हमको अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। परिस्थिति से चलना एक अलग बात होती है और समझकर चलना दूसरी बात होती है। जब हम प्रकृति की व्यवस्था को समझते हैं तो अब हमारे सामने जो इकोलॉजिकल चुनौतियां हैं जिनमें पानी एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि इकोलॉजी को जब हम अध्ययन पूर्वक देखते हैं तो पानी की उपयोगिता समझ में आती है कि किस प्रकार जब जमीन की भौतिक रचना और रासायनिक रचना समृद्ध होकर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के योग से पानी धरती पर बना होगा, तो यदि हम व्यवहारिक भाषा में उसका अध्ययन करें तो पता लगता है कि एक जलने वाली चीज और एक जलाने वाली चीज दोनों ने मिलकर एक प्यास बुझाने वाली चीज को पैदा किया। और ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम उस धरती पर हैं जहाँ पर धरती की प्यास बुझाने के लिए पानी पर्याप्त उपलब्ध है, वनस्पतियों का प्यास बुझाने के लिए पानी पर्याप्त है, जीव जंतुओं का प्यास बुझाने के लिए पानी पर्याप्त है, और मनुष्य की प्यास भी बुझाने के लिए पानी पर्याप्त है। लेकिन चिंता हमको इसलिए है कि हमने पानी की उपयोगिता को नहीं समझा है और पानी का दोहन किया है, और बल्कि पानी का दोहन नहीं किया बल्कि पानी का प्रदूषण किया है। हमने जहरीले रसायनों को नदियों में बहाया है, खेतों में बहाया है, वो जमीन के अंदर पहुंचा है, उससे जमीन की संरचना प्रभावित हुई है, भौतिक संरचना भी प्रभावित हुई है, रासायनिक संरचना भी प्रभावित हुई है, और बायोलॉजिकल जो संरचना है वो भी प्रभावित हुई है। मेरा यह निवेदन है कि आज देश फिर एक नई करवट के साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को अभियान के रूप में चलाए जाने के लिए संकल्पित हुआ है, और इस संकल्प में किसानों की एक बहुत बड़ी भूमिका बनती है। और एक किसान होने की जिम्मेदारी के साथ ही मैं अपने विश्वास के साथ इस वार्ता में, इस संवाद यात्रा में आपके साथ सम्मिलित हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस प्रकार हम उपयोगिता को संरक्षण से जोड़कर नैतिकता के साथ में राष्ट्र धर्म को एक जन आंदोलन का रूप दें, और इस पानी की जो बड़ी चिंता हमको है उस पानी की चिंता से मुक्त हों। भारत एक गौरवशाली देश है, हम हर क्रांति को जब जन आंदोलन के रूप में ले लेते हैं तो उसमें सफलता मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आपने अभी कहा था उससे मैं अभिभूत हूँ इस बात को लेकर कि कम से कम अब सभी लोगों का ध्यान एक साझा कार्यक्रम के रूप में पानी की चिंता को लेकर आगे बढ़ा है। प्राकृतिक खेती को लेकर हम जब देखते हैं तो प्रकृति की खेती के चार घटक हैं। सबसे पहला है
भौतिक रासायनिक क्रियाओं से संपन्न धरती हमें उपलब्ध है, जिसमें सभी मिट्टी पत्थर मणि धातु का जितना विकास होना था वो पूरा हुआ और पूरे विकास को धरती ने अपनी स्वयं स्फूर्त व्यवस्था से पानी में बदलते हुए प्राण कोशा पूर्वक सारी वनस्पतियों की संरचना और उनको समृद्ध करते हुए कितने वर्षों से, उसका गणित मेरे पास नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि धरती की व्यवस्था को उथल पुथल होते हुए किस प्रकार से धरती ने अपनी व्यवस्था को सजाया है, जीव जानवर और मनुष्य के जीने के लिए उपयोगी बनाया है और उस सतह पर आज हम सभी रहते हैं जिस सतह पर न पानी की कमी है, न हवा की कमी है, न किसी प्रकार का कोई प्रदूषण है, लेकिन हमारे जो क्रियाकलाप हैं, चाहे वो खेती में हमने जुताई का प्रयोग किया, चाहे हमने किसी मशीनों का प्रयोग किया, मशीनों से निकलने वाला जो ईंधन है वह ईंधन भी धरती की सतह को नुकसान पहुंचाता है। और इन सभी चीज़ों का मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि पानी का पानी पर प्रहार कई प्रकार से होना देखा गया है। जैसे मौसम बदला है तो पानी पर भी प्रहार देखा है, लेकिन हमारे जो पदार्थ अवस्था है वो तीन रूप में काम करती है, ठोस तरल और विरल। हम विरल अवस्था में भी पानी को देखते हैं, तरल अवस्था में भी पानी को देखते हैं और ठोस अवस्था में भी बर्फ के रूप में पानी को देखते हैं। ये धरती की एक प्राकृतिक सिंचाई व्यवस्था है। वो केवल सिंचाई व्यवस्था नहीं है बल्कि उसमें ताप दाब नमी का एक संतुलन है और इस संतुलन को किसान भाई यदि सतह पर इस संतुलन को समझते हैं तो इसके लिए धरती की सतह के अंदर एक पानी है और वर्षा के आधार पर उस क्षेत्र में एक निश्चित वर्षा होती है। तो किसी क्षेत्र में निश्चित वर्षा का होना, धरती की सतह के अंदर पानी का एक स्तर निश्चित होना, इस प्रकार से ही वहाँ की जैव विविधता सुनिश्चित होती है, मिट्टी की बनावट सुनिश्चित होती है, वहाँ की वनस्पतियों की बीज परंपरा सुनिश्चित होती है, वहाँ के पशु पक्षियों की वंश परंपरा सुनिश्चित होती है। ये मनुष्य को समझने की जरूरत थी ताकि सभी के संयोग में हम इस पानी का संरक्षण कर सकें। आज की इस वार्ता में मैं खेती को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला बात है कि रासायनिक आधारित खेती से मुक्त होने के लिए हमको प्राकृतिक खेती यदि करनी है तो प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन करना ही आवश्यक है। केवल किसी भी एक तरीके को लेकर गौ आधारित खेती, नक्षत्र आधारित खेती या अन्य भी किसी बायोलॉजिकल इनपुट को लेकर हम जब केवल किसी इनपुट को केंद्र में रखकर बात को सोचेंगे तो व्यवस्था ध्यान में नहीं आती। जब तक हम इनपुट बेस एग्रीकल्चर की बात करते रहेंगे, चाहे वो इनपुट हमने जैविक तरीके से बनाई है और चाहे हमने किसी भी पशु आधारित हैं, हम वहाँ पर प्रकृति की व्यवस्था को नहीं देख पाते। मैं देश के राष्ट्रीय नीतिकारों से, जल शक्ति मिशन के सभी प्रणेताओं से इस बात को जरूर कहूँगा कि देश में कृषि का अभियान पानी के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान है। यदि जल के संसाधन की बात हम एक मंत्रालय में करते हैं और कृषि की बात हम दूसरे मंत्रालय में करते हैं तो इन मंत्रालयों का समन्वय आपस में एक नीतिगत स्तर पर किया जाना भी एक महत्वपूर्ण विषय है, ताकि किसानों तक ये बात टुकड़े टुकड़े में ना जाए बल्कि एक प्रारूप में चली जाए कि खेती में पानी की उपयोगिता है। यदि पानी अधिक होगा तो जमीन की सतह पर पानी ज़्यादा भरने से, हवा में पानी ज़्यादा उड़ने से, जमीन की जो ठोस तरल विरल संरचना है पानी की अनुपात की, वो बिगड़ जाती है और अनावश्यक सतह के ऊपर अनेक प्रकार की बैक्टीरिया फफूंदियों का दबाव बढ़ जाता है। ये चीज़ें देखने को मिली हैं। हमने पानी को तो दोहन किया ही है, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान किया है कि धरती की सतह पर जो वातावरण है, जहाँ पर ताप दाब नमी का एक संतुलन है, जिसके एक अनुपात में, जिसके मैं ये कहूँगा कि धरती की प्यास के अनुपात में जहाँ बरसात जितनी होनी थी वो वर्षा का विमुख होना, व्यतिरेक वर्षा में आना, ये मनुष्य के क्रियाकलाप का परिणाम है। चूँकि हमने जमीन के अंदर से पानी को निकाला और सतह पर बखेरा, जिससे सतह के ऊपर नमी की मात्रा बढ़ने से बादलों को प्यास का संकेत नहीं मिलता। ये प्यास का संकेत जैसे मनुष्य को
अपने अंदर से पता लगता है, ऐसे ही जीव जानवरों को भी पता लगता है, ऐसे ही वनस्पतियों को भी पता लगता है और ऐसे ही धरती को भी पता लगता है। हमें इस विज्ञान को समझने की जरूरत थी। इस आधार पर जो भी घटनाएं घटी अभी तक, उन सभी में ये चीज देखने को लगा निकला कि जब हम इनपुट बेस एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें पानी, रसायन, मशीन आदि चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, अधिकतम उत्पादन बढ़ाए जाने की तरफ हमारा ध्यान जाता है और अधिकतम उत्पादन का हमारे पास कोई मानक नहीं है। एक फसल से अधिकतम उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए जो भी तरीके, फार्म मैकेनाइजेशन, फार्म का इनपुट मैनेजमेंट जो भी हमने किया, वो सारा का सारा धरती की सतह के विरोध में था, प्रकृति की व्यवस्था के विरोध में था। उन्हीं कारणों से जगह जगह ऋतुमान में परिवर्तन आया, वर्षामान में परिवर्तन आया और तापमान में भी परिवर्तन आया। चिंता का विषय केवल पानी नहीं है, अब धरती के साथ पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम भी हमारे लिए एक चुनौती बन गया है और खेती पर उसका जो दबाव बढ़ा है, वहाँ हम बार बार क्लाइमेट रेजिलेंसी की बात खूब करते रहे, लेकिन जब तक हम प्रकृति की पूर्ण अवस्था को नहीं समझेंगे, संपूर्णता को नहीं समझेंगे, तो प्रकृति का पूरकता, उपयोगिता और समृद्धि का सिद्धांत स्पष्ट नहीं होगा। ये पूरकता, उपयोगिता और समृद्धि का सिद्धांत ही संरक्षण के लिए गवाही देता है, सदुपयोग के लिए गवाही देता है। और प्राकृतिक खेती में मैं उन्हें फिर एक बार निवेदन करूँगा अपने राष्ट्र की सभी चेतना से, सभी प्रबुद्ध वर्ग से, कि इनपुट कोई भी एक है, तरीका कोई भी एक है, वो जगह जगह बदलता रहेगा। पहाड़ का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, लेकिन पानी हमारी जिंदगी के लिए उसका क्या प्रयोजन है, क्या उपयोगिता है, वो धरती के लिए कितना उपयोगी है, वो पूरे राष्ट्र की नीति का विषय एक ही होगा। जब राष्ट्र की नीति का विषय एक हो जाता है तो जिले स्तर पर राष्ट्र की कार्य योजना का स्वरूप एक हो जाता है और किसानों को कार्यक्रम भी एक ही उनके हाथ में मिलता है, यही जन आंदोलन का स्वरूप है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नीति का प्रयोजन के रूप में स्पष्ट होना, जिला स्तर पर कार्य योजनाओं का एक समन्वित योजना के रूप में स्पष्ट होना और किसानों के हाथ में एक समन्वित कार्य योजना जिसमें वो प्रकृति के साथ व्यवस्था को भी देख सकें, अपनी आमदनी को भी देख सकें, स्वास्थ्य को भी देख सकें, पर्यावरण को भी देख सकें और प्राकृतिक संतुलन को भी देख सकें। जिंदगी के हर आयाम को यदि व्यक्ति अपनी खेती के साथ जोड़कर देखता है, वही किसान है। अभी तक भारत में किसान नहीं है, क्योंकि हमने इनपुट बेस एग्रीकल्चर के नाम पर खेती को बाजारीकरण के जरिए जोड़ा था। तो हमारे सारे कानून, हमारे सारी नीतियां, हमारे सारी योजनाएं, हमारे सारे कार्यक्रम कहीं ना कहीं जो ट्रेड इकोनॉमी है उसी को डेवलप करते हैं। अभी जब हम उसको प्रोड्यूसर बेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो किसान जब उत्पादक होगा, व्यवसाय भी होगा और प्रकृति के साथ जीने की सच्चाई को देखेगा, खेती का सम्मान होगा, खेती में किसानों को आमदनी होगी, तो जल संरक्षण कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है उनके लिए, क्योंकि किसानों के पास आज भी वो तरीके हैं, यदि वो चाहें तो एक एक बूंद से अपने खेत को सजा सकते हैं। मैं एक छोटी सी योजना का जिक्र करता हूँ, भारत सरकार की एक बहुत सुंदर योजना जो खेत में तालाब की योजना है, बड़ी सटीक योजना है, लेकिन तालाब खोदे गए और तालाब खोदने के बाद में उनको यदि नालीदार विधि से चैनलाइज नहीं किया जाएगा, तालाब कहाँ पर खोदा गया, उसके पानी का स्रोत क्या होगा, यदि खेत में पानी ज़्यादा बरसेगा तो वो तालाब तक कैसे जाएगा, और तालाब केवल पानी के लिए नहीं है, तालाब जैव विविधता के लिए भी है। तालाब किसानों की इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, जहाँ पर हम जड़ी बूटियों की खेती कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने खेत में जो अनेक प्रकार के कीड़े और मकोड़ों के अभाव से या उनके नियंत्रण के बिना जो खेत में प्रयोग हुए हैं, जो दबाव बढ़ा है बीमारियों का, उससे निजात मिलेगी। तो इस धरती की सतह पर जो भी तरीके थे, तालाब के थे, नदियों के थे, छोटे छोटे पोखर थे, तो इन सारे रिसाव को यदि हम बहुत बारीकी से नहीं देखेंगे, इनकी उपयोगिता को हम नहीं जोड़ेंगे, और मैं इसको यही कहूँगा कि जल शक्ति मंत्रालय को इसको एक मिशन के रूप में एक एक अंग को जोड़ते हुए कि खेत की मेंड पर क्या, खेत के अंदर क्या और खेत के साथ में का क्या और गांव में पूरे पूरे गांव के परिवेश में क्या होगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं कि जो इसमें व्यतिरेक पैदा करती हैं, जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि मछली पालन का कार्यक्रम को प्रोत्साहन किया गया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया
कि ऐसे तालाब जहां पर तालाबों में पानी नहीं था और जमीन के पानी को निकाल कर तालाब में पानी भरकर मछली पालेंगे तो मछली तो मिलेंगी लेकिन जल की चिंता बहुत, तो प्यास भोजन से ज्यादा प्यास की चिंता है और प्यास से ज्यादा श्वसन की चिंता है, सांस की चिंता है। तो हमें हवा की पवित्रता को बनाए रखना है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की जो बुनियाद रखी गई वो कोई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नहीं है, वो पूरे देश और दुनिया को एक संदेश देने वाला कार्यक्रम है कि भारत प्राणकोशा के नियम को समझता है, यदि हवा शुद्ध होती है तो वहाँ पर पर्यावरण की शुद्धता से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, वनस्पतियों के स्वास्थ्य के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए, प्राकृतिक संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा परिवेश तैयार होता है। स्वच्छता केवल गंदगी साफ करने भर चीज नहीं थी। इसी प्रकार से पानी के स्वच्छता को लेकर, पानी के संरक्षण को लेकर, पानी के सदुपयोग को लेकर जो एक चर्चा चल रही है, इसमें हम अपनी एक छोटी सी आहुति इसलिए देना चाहते हैं कि एक 40 वर्ष के अनुभव में ये पाया कि हमने धरती की सतह पर जहां हम कुएं में से एक छोटी सी रस्सी के जरिए पानी निकालते थे, आज उस कुएं में पानी देखने के लिए भी हमको लगता है कि कुएं में कोई तारा है, पानी इतनी गहराई पर है। तो ये जहां पर पानी ऊपर था वहां भी 50-60 फुट, वहां से 100 फुट बराबर पानी नीचे जाता हुआ है और उस पानी को ऊपर लाने का कोई तरीका मनुष्य के पास नहीं है। सारे तरीके उस नीचे के पानी को ऊपर बखेरने के हैं, उस पानी को नीचे ले जाने के तरीके हमारे पास बहुत कम हैं। हमें इस कार्यक्रम को बहुत तीव्र गति से एक स्वरूप देने की जरूरत है ताकि हम अपनी खेती में एक एक बूंद पानी को नालीदार विधि से सिंचाई करते हुए, और मैं अपने किसान भाइयों को यह संकेत देना चाहूँगा कि हम सिंचाई केवल पानी से नहीं करते बल्कि पौधों की जड़ों के द्वारा भी, जड़ एक दूसरे के लिए सिंचाई का काम करती हैं, तो जड़ों के द्वारा भी हम पानी का संरक्षण, जमीन की सतह पर अनेक फसलों को लगाकर पानी का संरक्षण और पानी के सतही वातावरण में हवा में ताप दाब नमी का संतुलन बनाए रखने से वर्षामान को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण विधा है। इस पर मैं चाहूँगा कि भारत में जितना भी कृषि अनुसंधान क्षेत्र है, रिसर्च का जितना भी क्षेत्र है, उसमें इस बात पर गंभीरता से बात किए जाने की जरूरत है कि क्या सतही वातावरण का वर्षामान पर कोई प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बादलों की जमीन को प्यास लगती है तो बादल बरसते हैं। मैं इसको मान्यता के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं बराबर इसको देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा निकाला गया वहाँ का वर्षामान घटा है और जहाँ जमीन ज़्यादा, जहाँ पानी सतह पर कम था वहाँ वर्षा का मान बढ़ गया है। राजस्थान में बाढ़ आने लगी हैं और जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा का मान बहुत कम होता जा रहा है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके द्वारा हम प्रकृति की सतह को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं खेती में, प्राकृतिक खेती में एक मौलिक बदलाव के लिए अपने राष्ट्र के साथ एक निवेदन करता हूँ कि राष्ट्र के नीतिकार प्रकृति की विविधता में फसल प्रणाली को लगाए जाने की सिफारिश जरूर करें। खेत एक फसल अनेक का सिद्धांत अब इस देश की जरूरत है। हमने एकल फसल प्रणाली से जो भी जितना प्रयास किया वो एक सीमा तक जाना था, अब वैज्ञानिकों को इस शोध खोज को बदलने की जरूरत है। जब देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही है तो हमें अपने फार्म मैकेनाइजेशन को, हमें अपने इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम को, हमने अपनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को, हमने अपनी सीड टेक्नोलॉजी को, हमने एग्रीकल्चर के सारी तकनीकी विज्ञान और ज्ञान को एक सही दिशा की ओर ले जाने की जरूरत है ताकि हम अपने किसानों को सामूहिक प्रयास के रूप में जोड़ सकें। भारत सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का एक बहुत बड़ा आगाज किया है, ये देश के लिए एक नए अभियान की शुरुआत है। मैं यहाँ भी एक निवेदन करूँगा कि जितना भी पूरे देश में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियाँ बन रही हैं, हर जिले में उनको उनका सही ढंग से नेतृत्व हो, जिला अधिकारी महोदय और कमिश्नरी लेवल पर कमिश्नर महोदय के साथ में बैठकर एक कार्य योजना का स्वरूप स्पष्ट हो। अभी तक कार्य योजना का स्वरूप स्पष्ट नहीं होने से किसानों को यह भी पता नहीं कि किन फसलों में पानी की कम जरूरत है और किन फसलों में पानी की ज़्यादा जरूरत है। हम सारे बाजार के प्रभाव में खेती कर रहे हैं, धान का रेट ज़्यादा तो धान की फसल, गेहूं का रेट तो गेहूं की फसल, गन्ने का रेट तो गन्ने का फसल। हमने उन सारी फसलों को छोड़ दिया जो हमारे पूर्वज जिनको बिना पानी की खेती करते थे और आज उनकी पूरी दुनिया में पोषण के लिए मांग है। हमें क्या जरूरत है फूड फोर्टिफिकेशन की और सप्लीमेंट फूड की। हमारे पास उस प्रकार के फूड हैं कि जिनमें पानी का संरक्षण भी है
और जिनमें पर्याप्त मात्रा का पोषण भी है, लेकिन वो एकल फसल प्रणाली के रूप में ना लगाए जाएं, बल्कि हम अब टुकड़े टुकड़े में खेती करने की बजाय एक ही खेत में बायोडाइवर्सिफिकेशन को ध्यान रखते हुए, इकोलॉजिकल सिस्टम को ध्यान रखते हुए, क्लाइमेट में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, उसी प्रकार के बीज, उसी प्रकार के तरीकों को लेकर यदि नालीदार विधि से रिज बेड सिस्टम के जरिए अनेक फसलों को लगाते हैं, तो मैंने ये देख मुझे देखने को मिला है कि बहुत बड़ी बचत पानी की होती है। जिस खेती को हम आज कर रहे हैं उसको जैविक खेती कहें, प्राकृतिक खेती कहें, इनके नाम के बदलने से कुछ होता नहीं। हम अपनी मनमानी से कुछ ना कहें, प्रकृति की व्यवस्था को समझकर करते हैं, तो हमने देखा है कि 60% पानी खेती में किसान आसानी से बचा सकते हैं। ये इसको राष्ट्रीय अभियान बनाए जाने की जरूरत है। हमने जब से हम ये देख रहे हैं कि जब से हम किसानों के खेतों के लिए बिजली की सुविधा ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और हम किसानों को पानी के लिए की उपयोगिता को नहीं समझा पाए हैं, तो जल दोहन बढ़ता जा रहा है। ये एक अनावश्यक पानी का दोहन है। बरसात होते हुए भी धान के खेतों में और गन्ने के खेतों में ट्यूबवेल चलते रहते हैं। ये बहुत संवेदना का विषय है। इसके लिए कृषि विभाग और जितना भी सामाजिक आंदोलन है, जिसमें धार्मिक लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, राष्ट्रीय स्तर के लोग भी हैं, सभी का एक साझा कार्यक्रम है। ये आदमी का एक नैतिक मूल्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सदुपयोग सुनिश्चित करना एक हर व्यक्ति का धर्म है। केवल मताधिकार धर्म नहीं है, इस धरती पर जीने का धर्म हर व्यक्ति का है। तो ऐसी स्थिति में जन चेतना में इन सभी सूत्रों को प्रयोग कर किस प्रकार से राष्ट्रीय नीति और जिला और कमिश्नरी स्तर पर एक कृषि की कार्य योजना, जिसमें पानी का सदुपयोग, बीजों का भी उपयोग और जिसमें उत्पादन को बनाए रखना और जिसमें आने वाले भविष्य में पोषण युक्त भोजन की परंपरा बनी रहे, पर्याप्त पानी रहे, मौसम के परिवर्तन से बचें, अनावश्यक जो असाध्य रोग बढ़ रहे हैं वो रोग ना बढ़ें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमको कमिश्नरी लेवल पर, जिले स्तर पर कम से कम कृषि कार्य योजना बनाए जाना इस समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कोई कृषि कार्य योजना किसी जिले स्तर पर नहीं है, इसलिए किसानों के हाथ में कोई कृषि कार्यक्रम भी नहीं है। वो बाजार के प्रभाव में जो उनको सूचना मिलती है उसी प्रकार का वो करते रहते हैं। तो ये खेती नहीं है, बल्कि मुझे कई बार एक तमाशा जैसा लगता है। एक राष्ट्र के प्रति एक प्यार है, किसानों के प्रति भी बराबर एक संवेदना है कि यदि खेती बराबर ऐसी उजड़ती रहेगी, प्रकृति के समानांतर ऐसी उदासीनता बढ़ेगी, तो इस खेती को करेगा कौन? मेहनत कोई करना चाहता नहीं। तो ऐसी स्थिति में COVID-19 के बाद में एक संकेत उभरा है कि बहुत प्रबुद्ध वर्ग, अच्छी नौकरी करने वाले और कॉरपोरेट जगत के जो अच्छे विद्वान थे, वो भी अब खेती की तरफ बढ़े हैं। अब ये ऐसे ही लोग यदि जल को भी एक मिशन के रूप में देखें, धरती की उर्वरता को भी मिशन के रूप में देखें और पर्यावरण को भी मिशन के रूप में देखें, स्वच्छता को भी मिशन के रूप में देखें, तो एक सोशल इंटीग्रेशन के आधार पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट देश में बनाया जा सकता है। इसके लिए अपनी पहचान और व्यापार की भूख में जो टुकड़े टुकड़े में ये बहुत मनमानी से बात हो रही है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। मैं इनको बार बार उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये धरती सभी की साझा है, अब विशेषज्ञता से काम नहीं चलेगा, अब सामान्य प्रवृत्ति में सज्जनता और पवित्रता से ही काम चलेगा, ऐसा मुझको बार बार सूझता है। आज के इस कार्यक्रम में जो भी मुझे आपने सौभाग्य दिया, मैं उसमें एक ही संकेत देना चाहूँगा कि यदि हम प्रकृति के सहअस्तित्व को सूत्र रूप में देख लें, तो धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव के अंतर संबंध को हम पहचानेंगे और इसी में पानी की उपयोगिता समझ में आती है। दूसरा, इसी के साथ साथ यदि हम धरती की जैव विविधता को समझेंगे, उत्पादन के सतही घनत्व को देखेंगे और नैसर्गिक संतुलन को देखेंगे, तो देश में पोषण युक्त खाद्यान्न, जल संरक्षण सहित नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि संपूर्ण प्रकृति के जितने भी जैव संसाधन हैं सभी का संरक्षण भी होगा, सदुपयोग भी होगा। उसके आधार पर एक बड़ी उपलब्धि ये होगी कि देश पर अनावश्यक कुपोषण का जो दबाव है, महिलाओं में खून की कमी है और छोटे स्तर पर बहुत कई बार घटनाएं दिखी जा रही हैं, उन सबका लंबा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन गांव-गांव जाता हूं तो देखता हूं कि देश में छोटे बच्चों में, महिलाओं में कुपोषण बढ़ रहा है, पुरुष वर्ग भी उससे दूर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम
फूड फोर्टिफिकेशन नहीं बल्कि हम उन उस मिलेट फूड्स को एक अभियान बनाएं जहां पानी भी नहीं लगेगा और खेती भी बढ़िया होगी और किसानों को पैसा भी खूब मिलेगा। लेकिन अभी देश में इन सब चीज़ों की आवाज़ तो उठ रही है लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में उठ रही है। ये स्पेशलाइजेशन का दौर हमको बंद कर देना चाहिए। ईएनटी डॉक्टर हार्ट की बीमारी को नहीं देख पाता और हार्ट वाला जो डॉक्टर है वो ईएनटी को नहीं देख पाता। इन दोनों में जो तालमेल टूटा है अब ये जो स्पेशलाइजेशन है ये खेती में भी ऐसा ही है, हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में भी ऐसा ही है। मेरा निवेदन है कि मुझे इसका एक रूपता कैसे होगी उसका आधार तो मुझे यही लगता है कि जब हम तन मन धन के सदुपयोग की बात करते हैं तो मन प्राथमिकता में आ जाता है और उससे हमारी योजनाओं का आकार बनने लगता है। अभी क्या है, हमने धन को प्राथमिकता में लिया है। जब तक धन प्राथमिकता में रहेगा हमारी प्रवृत्ति में व्यापार रहेगा और हम कम देकर ज्यादा लेने की तरफ दौड़ते रहेंगे। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था को यदि मानसिक चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के साथ हम सही ढंग से समझ लें तो वहां पता लगता है कि एक दाने से हजार दाने पैदा होते हैं। वर्षा अपने आप बरसती है, पवित्र जल जमीन के अंदर जाता है, उसका भंडारण आदमी के पीने के लिए नहीं बल्कि सभी जीव जानवरों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। हम पूरी प्रकृति के इस व्यवस्थित तंत्र को यदि अध्ययन पूर्वक समझें, यही कृषि के अनुसंधान का, यही शोध का, यही तकनीकी का, यही विज्ञान है। इसको ज्ञान के बिना यदि आगे बढ़ाएंगे तो यही अधूरापन है। तो मेरा आज की इस सभा में आप सभी के साथ यही निवेदन है कि प्राकृतिक खेती को छोटी सोच के साथ ना चलाया जाए बल्कि प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, ज्ञान संपन्नता के साथ, विवेक संपन्नता के साथ, ताकि लक्ष्य भी निर्धारण करें, कार्य योजना भी बनाएं और कार्यक्रम को भी एक स्पष्ट अवधारणा के साथ पूरे देश के साथ में चलाएं, एक जन आंदोलन बनाएं। मैं शुभकामना करता हूं अपने राष्ट्र के प्रति और आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत ही हृदय से आप सबका सबके प्रति कृतज्ञ हूं इस बात को लेकर। और इस विश्वास के साथ मैं अपने राष्ट्र की इस जल मिशन के अंतर्गत एक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मैं हमेशा इसी के लिए तत्पर रहूंगा और इस अभियान का एक हिस्सा बनकर काम करूंगा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार। धन्यवाद भरत भूषण जी। और मैं बताना चाहूंगी कि आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स चैट बॉक्स में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं और सभी लोग आपको आपके कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो वाटर टॉक और टेक टॉक में एक हमारा जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि हम कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके होते हैं तो हम उनको टेकअप करते हैं। तो अगर आप कहें तो हम अपना एक क्वेश्चन आंसर सेशन अभी शुरू करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर। सो तो Most of you, most of our participants are regular with Water Talk and Water Tech Talk and are well versed with the overall format. So, but for all those who are new to the system, you can write and you can write your query in the chat box. You can also raise your hand and we'll unmute you. You can introduce yourself and put forward your query. So we have an option of hearing from you, or you can also write it in the chat box. For all those who have joined us from Facebook, you can also post your query through any of the pages through which you have joined us, and we'll be happy taking up your queries. We're officially open for the question answer session. I request Ms. Manalika Pandya ji, you may please ask your query. I request again, Ms. Manalika Pandya, you may please ask your query. Manalika, we can hear. Ms. Manalika, we can hear and see. We can see a couple of posts from coming up from your side. In case you would like to ask anything directly, maybe you can unmute yourself. हेलो
Actually, Manalika is a bit busy. I am her husband. Actually, she wrote a question in the question box. If you can read it up. Okay. Just a second. Okay, we'll take up her question in a while because I can only see a link. So we'll come back to her questions in a short while. And by that time, Raj Jain ji ki taraf se question hai, Bharatiya kisan abhi bhi sansadhano aur jagrukta dono ke maamle mein vibhin badhaon ka samna kar rahe hain. Inme se kise pehle kam kiya jana chahiye aur kyun? Sabse pehli zarurat hai ki kisanon ka jo prashikshan hai वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ देश को चलाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम केवल इनपुट पर बात कर रहे हैं. प्रकृति की व्यवस्था को समझाने का, समझने का जो नैतिक आधार होता है, जिसमें पानी की भी बात हो, बीज की भी बात हो, धरती की उर्वरता की भी बात हो, जैव विविधता की भी बात हो, वो अभी नहीं है. तो किसानों के पास में सूचना ही पूरी तरीके से नहीं पहुँची है. बांधों और जलाशयों जैसी नई संरचनाओं का समावेश इस क्षेत्र के पास के वंचित किसानों को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, इसमें ये चीज है कि जब भी हम किसी चीज को बांधते हैं और बांधकर यदि हम उसको आवेशित कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उस आवेश को यदि हम ऊर्जा के रूप में बदल लेते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी बनता है. लेकिन बांधने की आवश्यकता किस लिए है, ये समझना जरूरी है. जब भी कहीं भी पानी का संरक्षण हमको करने की जरूरत है, उसके पीछे तीन मौलिक सिद्धांत हैं कि पानी अकेला काम नहीं करता. पानी के साथ में ताप, दाब, नमी, हवा की गति, नमी, विरलता, सतह का तापमान, जैव विविधता, ये सभी कुछ मिलकर काम करती है. तो प्राकृतिक सिंचाई व्यवस्था से हमको इसका अध्ययन करने की जरूरत है, और यदि कहीं ऐसी आवश्यकताएं बनती हैं तो वो जन सहमति के साथ में उनको किया जाए, क्योंकि हर कार्यक्रम वो राष्ट्र हित में है तो वो समाज हित में भी है. इसलिए कोई भी जलाशय हमको बनाना है, कोई तटबंध हमको बनाने हैं, कोई हमें बड़े बांध बनाने हैं, हमको जो भी कुछ करना है उन सब के बारे में जागरूकता के लिए, जन जागृति के साथ ही उनको आगे बढ़ाया. क्या चल रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक कृषि उपायों को लागू करना मुश्किल हो रहा है? इसका समाधान क्या हो सकता है? ये ज्योति मिश्रा जी का सवाल है. हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हमको परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन जो आया है, जिसको हम मौसम परिवर्तन बोलते हैं, ये क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, वो हमारे ही क्रियाकलापों के कारण है. प्रकृति तो अपनी व्यवस्था में काम करती है, इसलिए हम अपने यदि कार्यकलापों में परिवर्तन करते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीने का आनंद हर व्यक्ति को मिलेगा. इसमें कहीं भी विरोध नहीं है, केवल समझकर करने की जरूरत है. मैं तो बल्कि इसका एक ही उत्तर आपको बताना चाहूँगा कि करके समझने से अच्छा है समझ कर ही किया जाए. अभी हमें जो अभ्यास है वो करके समझने का है. हम पहले करने पर जोर देते हैं. हम यहाँ ये कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करने का स्वरूप आपके सामने हर वर्तमान में निरंतर है, आपके सामने है. इसके लिए ना इतिहास पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं से अलग विज्ञान पढ़ने की जरूरत है. सूर्य पूर्व से निकलता है, वर्षा होती है, मौसम बदलता है, धरती की उर्वरता है, जैव विविधता है, कीड़े बीमारियां, ये सारा कुछ संतुलन आपके सामने है. तो आप यदि इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं तो इसमें इसकी पहल करने में कोई भी व्यतिरेक नहीं है, मुश्किल नहीं है. और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जल शक्ति मिशन के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो सकता है. रिक्वेस्ट मिस्टर डीपी सिंह, यू मे प्लीज आस्क योर क्वेरी. I request again, Dr. D.P. Singh, you may please ask your query.
राहुल सिंह जी ने पूछा है व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ लार्जर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन नेचुरल फार्मिंग। वो ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या क्या संसाधनों की जरूरत है जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है कि हम अभी संसाधनों के बारे में देखते हैं तो संसाधन हमको तीन प्रकार से दिखते हैं, मन के रूप में, तन के रूप में और धन के रूप में। मन का मतलब है समझना, तन का मतलब है स्किल डेवलपमेंट होना, और धन का मतलब है किसी योजना को और कार्य को गति देना और उसको सुविधापूर्वक आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर अभी जो बात हम करते हैं तो संसाधनों को जब जोड़ते हैं तो हम केवल धन से ही उसका मूल्यांकन करते हैं। मैं जिन सज्जनों ने सवाल पूछा है उनसे ये निवेदन करूँगा कि प्राकृतिक खेती के जो संसाधन है या जो निवेश की जो पूंजी है वो समझदारी और श्रम है। समझदारी और श्रम नियोजन को यदि हम महत्व देते हैं तो मनरेगा कन्वर्जेंस का एक बहुत बड़ा विकल्प देश के सामने है और हम खेती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और पानी का संरक्षण करना देश के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है यदि हम मनरेगा कन्वर्जेंस को ये एक सही दिशा में लेकर आगे बढ़े। त्रिवेदी जी का एक क्वेश्चन है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या जिस तरह की वो सब फसलें जिसमें ज्यादा पानी का उपयोग होता है क्या उसके चार्जेस भी ज्यादा होने चाहिए फर्दर, या उसमें क्या कहीं पानी का ज्यादा यू नो पेमेंट या कुछ ऐसा करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जब आप क्रॉपिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्रॉपिंग पैटर्न एक तो डाइवर्सिफाई दिखाई देगा क्योंकि वो नेचर का लॉ है कि अनेक फसलें साथ साथ लगाई जानी है, और इससे दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि प्रोडक्शन डेंसिटी खेत में 40-50 फुट ऊंचाई तक बढ़ जाएगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन डेंसिटी बढ़ेगी उसी तरीके से क्लाइमेट की जो जो डिसऑर्डर हैं वो सब आपको ऑर्डर में दिखने लगेंगे, पानी की बचत दिखने लगेगी कि जड़ों के अंदर जो पानी का संरक्षण होता है और पानी का वितरण भी जड़ों के द्वारा एक दूसरे को होता है। तो प्राकृतिक खेती में बाहर की जो इनपुट्स हैं उनका दबाव ही खत्म हो जाता है। तो संसाधन प्राकृतिक हैं और समझ किसान की है, तो किसान की समझ और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग ही प्राकृतिक खेती है। मनलिका जी ने मैं आपको बताना चाहूंगी त्यागी जी, आपको लिखा है कि आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं और आप ही के जो चीजें आपने यहाँ साझा करी, जो जानकारी आपने साझा करी उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस भी शेयर करे हैं इस चैट बॉक्स में। तो वो ये बताना चाह रही है कि शायद कि जिस तरह का काम आप कर रहे हैं उस पर बहुत सारा काम ऑलरेडी रिसर्च बेस्ड वो काम है और साइंस उसको भी मतलब जस्टिफाई करती है, साइंस के थ्रू भी वो मान्य है जो चीजें आप बता रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर वीना खंडूरी ने भी आपको वेलकम करते हुए आपके कार्य को सराहा है और कहा है कि आप यहाँ पर आए, उपस्थित हुए और अपने साथ सबके साथ अपना ज्ञान साझा किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स लगातार चैट बॉक्स में आ रहे हैं और कुछ कुछ हमें सेपरेटली इनबॉक्स में आ रहे हैं। और इसी के साथ कुलविंदर सिंह जी ने पूछा है कि प्राकृतिक खेती का भविष्य कैसा दिखता है आपको? प्राकृतिक खेती का ही भविष्य है क्योंकि मनुष्य को प्रकृति के साथ जीना है और प्रकृति की व्यवस्था को समझकर खेती करना ही प्राकृतिक खेती है। तो इनमें एक ये इंटीग्रेटेड है, बल्कि मैं इसको कहूँगा कि ये कोएग्जिस्टेंस है, इसके बिना मनुष्य का जीना नहीं होगा। अब बात आती है कि पैसा, सम्मानजनक पैसा इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम प्रोड्यूसर बेस्ड इकोनॉमी को सही ढंग से आइडेंटिफाई करते हैं तो पता लगता है कि एक दाने से हजार दाने पैदा होते हैं, इतना गुणात्मक उत्पादन कहीं होता नहीं। इसलिए यदि हम बाजारीकरण के जरिए जो पैसा डाइल्यूट हुआ है उसको हम सही मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो खेती में बहुत सम्मानजनक पैसा है, खेती का भविष्य है और हर आदमी के लिए रोजगार का अवसर खेती में है। और मैंने जो अब खेती करते हुए देखा है तो मैं ऐसा देखता रहा हूं कि खेती से बढ़िया धरती पर कोई काम दूसरा है नहीं। धन्यवाद भरत भूषण जी, और अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ले चुके हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है, बात करना चाहता है त्यागी जी से, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे और आप इनसे
बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी कुछ भी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उदित नारायण शुक्ला जी, हमने आपका मैसेज भी उन्होंने भी इस प्रोग्राम को सराहा है। सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, उन्होंने भी लिखा है कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और धन्यवाद किया है मंत्रालय को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। संजीवनी जी, सेक्रेटरी उदित नारायण, सेक्रेटरी संजीवनी प्रयागराज। तो मुझे खुशी है बताते हुए कि इस प्रोग्राम में लोग अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ते हैं, और सिर्फ देश से नहीं, विदेश से भी बहुत सारे लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम पे जुड़ते आए हैं, और हम खुद भी सेकेंड और थर्ड फ्राइडे का वेट करते हैं ताकि वाटर टॉक और वाटर टेक टॉक सीरीज को हम ये चला सके और सबके साथ जुड़ सके। सो विद दिस, नो मोर हैंड रेज एंड नो मोर क्वेरीज, सो आई टेक इट एज इफ देर आर नो मोर क्वेरीज फ्रॉम आर पार्टिसिपेंट साइड। हैविंग सेड दिस, इफ देर इज एनीथिंग विच कम्स टू योर माइंड इवन एट अ लेटर कोर्स, मे बी यू कैन राइट टू अस, यू कैन सेपरेटली राइट टू नेशनल वाटर मिशन ऑल्सो, और आपके सभी जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेरीज आती है, उन सबको जगह दी जाती है नेशनल वाटर मिशन की वेबसाइट पे। आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं पुराने जितने भी वाटर टॉक और टिकटॉक हुए हैं, उनसे उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी बार एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सबका जो रिप्लाई है वो नेशनल वाटर मिशन की वेबसाइट पर साझा किया जाता है। विद दिस आई थिंक वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम। टुडे वी आर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम बिट अर्लियर। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय सुनील जी मुझे बराबर दिखाई देते रहे, और मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत सम्मान है इस बात को लेकर कि आपकी जो भाव भंगिमा और मुद्रा को मैं देखता रहा, तो एक जो ध्येय होता है हम लोगों का साझा ध्येय, कि हम किस प्रकार से एक मिशन और एक विजन के साथ में मिशन को लेकर आगे बढ़ें, तो मैं इसके लिए जिन भी सज्जनों ने मेरी बात को स्वीकार किया है, ठीक ढंग से सुना है, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ, आदरणीय सुनील जी के लिए भी और मैडम आपके लिए भी, और मंत्रालय के सब प्रबुद्ध वर्ग को मैं अपने हृदय से इस बात को साधुवाद करता हूँ, और मैं अपने जिंदगी की जो उपलब्धता है उसको इस मिशन के लिए अर्पित करते हुए, मेरी कहीं भी भूमिका हो, कुछ भी भूमिका हो, मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ। आपको नमस्कार। आप बताएं आपको कि इट वॉज ए वेरी वेरी एजुकेटिव एंड एलबोरेटिव टॉक। आपकी जो स्पीच थी ना, जो प्रवचन थे, हम आप सद्वचन कहिए जो कहिए, मंत्र मुग्ध हो गए हैं सुनकर, और जिस तरह से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया है, कोई भी लेमैन, कोई भी एक सरल आदमी इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। आई थिंक आई बिलीव टुडे वी ऑल हैव प्रॉफिटेड फ्रॉम द वेल्थ ऑफ लर्निंग एंड द एक्सपीरियंस ऑफ यू डॉक्टर भारत भूषण त्यागी। योर टॉक वॉज क्वाइट एजुकेटिव, इल्यूमिनेटिंग। वी विश यू गॉड्स प्रोटेक्शन इन योर सर्विस ऑफ द कंट्री। We appreciate your love and sense of belongingness to the country in general and to the water in particular. मतलब हमें लगता है कि जितना काम आपने किया है, जितना अच्छा काम आपके जैसे लोग अगर आगे बढ़कर आए, तो जो हमारी नई पीढ़ी है उसको हर फील्ड में जो फायदा होने वाला है वो बहुत होगा, और हमारी एक कामना है कि आप इस काम को आगे अच्छी तरह बढ़ाते रहें, और जब भी आपको हमारे मंत्रालय से किसी सहयोग की जरूरत होगी तो हम लोग उस सहयोग में उसको मैं आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं सही बोलूं, जो आज हमारे श्रोता भी हैं, मैं एक्चुअली अपने कर्तव्यों में असफल रहूंगा कि अगर मैं सभी उपस्थित लोगों को अपना ईमानदारी से धन्यवाद नहीं देता हूं। सभी वाटर टॉक के श्रोता जो इस सत्र में शामिल हुए हैं, जिन्होंने आज हमारे वक्ता की हौसला अफजाई की है और पूरे उत्साह, ऊर्जा और विश्वास के साथ हिस्सा लिया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मैं नेशनल वाटर मिशन के इस वाटर टॉक के आयोजन में अपना पूरा सहयोग देने के लिए और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी जो टीम वाटर डाइजेस्ट है उसको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं सबको बताना चाहूंगा कि हम हर महीने के हर दूसरे शुक्रवार को वाटर टेक टॉक और हर तीसरे शुक्रवार को वाटर टॉक का आयोजन करते हैं,
और किन्हीं कारणों से जो नेक्स्ट वाटर टॉक है वो 18 मार्च की जगह हम 25 मार्च को करेंगे, क्योंकि 18 मार्च को होली का दिन आ रहा है, तो ये सबके कंजम्पशन के लिए है कि हमारा वैसे तो हर तीसरे शुक्रवार को होता है, बट इस बार हम चौथे शुक्रवार को करेंगे मार्च में। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन फॉर मेकिंग दिस वाटर टॉक ए रिसाउंडिंग सक्सेस। See you all next in the next episode of Water Tech Talk, which will be held on 11th of March 2022. Till then, goodbye, take care and stay safe and have a wonderful weekend. Dhanyavad, Dr. Tyagi ji. Dhanyavad, Tyagi ji. Thank you, Sunil ji. And thank you all the participants who have joined us on this forum through this platform as well as through various social media platforms. We promise that we'll keep bringing nice speakers who are connected to the water sector, to the nature, and who are doing their best and are contributing in making water available for almost everyone. So keep contributing from your end also, and to know the updates of water industry, to follow us, the Water Digest, on the Facebook as well as social media page, and keep supporting all the ongoing campaigns, including Catch the Rain Where It Falls, When It Falls, like Sunil ji mentioned. Soon you'll be hearing Jal Shakti Abhiyan, the next phase of the Jal Shakti Abhiyan coming up, which means that everywhere, everyone needs to contribute. We need to make it Jan Andolan. So stay safe. Take care, and like Sunil ji said, we'll see you all on 11th of March for the Water Tech Talk. Thank you. Thank you very much. Okay.